अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज के आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ठंड के दिन में गोभी मटर वगैरह काफी मिलते हैं, तो आपको भी लगता होगा कि कुछ अलग बनाएं। गोभी आलू मटर की सब्जी तो आपने पहले बनाई होगी, आलू मटर की भी बनाई होगी, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं आज आपके साथ गोभी और मटर की निमोना की सब्जी ट्राई करने रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मटर की मैं ग्रेवी बनाऊंगी और ये खाने में बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी बनती है। और इसे आप यदि प्लेन राइस के साथ ट्राई करें तो और भी अच्छी लगेगी, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार पराठे रोटी जिसके साथ भी खाइए, लेकिन मेरे कहने पर एक बार प्लेन राइस के साथ इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, फिर मुझे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि यदि आप मेरे चैनल पर अभी खुद अभी अभी आए हैं, नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज उसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी मेरी रेसिपी को देखकर ट्राई कर सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है, मैं कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं निमोना। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आलू गोभी की तहरी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो देखिए, गोभी को हमने बड़े बड़े इस तरह से चॉप कर ली है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अभी मैं इसे ब्लांच करूंगी थोड़ी से नमक पानी में। ब्लांच करने से ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी और जो भी इसके अंदर कुछ भी कीड़े मकोड़े रहेंगे वो भी निकल जाएंगे। वैसे तो मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है, देख लिया है, लेकिन ब्लांच करने से बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये हमारी 250 ग्राम गोभी है, एक कटोरी भरकर हमने भरी ली है। ये मेरी होममेड बरी है उड़द दाल की, आप इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। दो आलू को हमने इस तरह से मोटे मोटे आकार में काट कर अच्छी तरह से वॉश कर लिए। थोड़ी सी कोरिएंडर लीव ली है हमने 1 टेबल स्पून। 1 कप हमने मटर के दाने लिए हैं, ये मेरी होममेड फ्रोजन मटर है, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, आप चाहे तो इसकी जगह ताजे हरे मटर की भी को भी पीस कर बना सकते। इसे मैं मिक्सर में ग्राइंड करके इसका ग्रेवी बनाऊंगी। और ये सारी चीजें, एक बड़े साइज की टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 बड़ा प्याज, सारी चीजों को मैं ग्राइंड करूंगी। तो प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च को एक साथ ग्राइंड कर लूंगी और टमाटर अलग, और मटर को हमें बिल्कुल अलग ग्राइंड करना है। और कुछ मसाले मैं इसमें डालूंगी, देखिए, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और मैं क्यूमिन सीड्स और तेज पत्ते, और तेल में मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले गोभी को ब्लांच कर लेते हैं और सारे मसाले को पीस कर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, एक पतीली में हमने पानी गर्म होने के लिए रखी थी, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगी है। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 टीस्पून नमक और अब मैं इसमें गोभी को ब्लांच कर लूंगी। तो ये जो गोभी हमने अच्छी तरह से वॉश करके रखा है इसे इसमें डाल देते हैं और 1 उबाल आने तक इसे ब्लांच कर लेते हैं। वैसे तो गोभी हमने अच्छी तरह से साफ कर ली है, लेकिन इसे ब्लांच करने से अच्छा रहता है कि अंदर अगर कोई भी कुछ भी हो, छोटे मोटे कीड़े, तो वो निकल जाए। तो देखिए, ये उबाल आने लगी, उसके बाद मैं स्ट्रेनर में इसे निकाल लूंगी। इधर हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को हमने पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया है और प्याज, लहसुन को एक साथ हमने पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, हरे मटर जो हमने लिए थे 1 कप, उसे हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। हमें इसे ज्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरह का दरदरा पीसना है।
ये सब्जी जो निमोना, इसका नाम मैं बता रही हूँ आपको, निमोना। ये गोभी मटर की निमोना एक बार आप राइस के साथ खा लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप जरूर बनाएंगे सीजन में से। और चाहे आप तो सीजन रहे चाहे नहीं रहे, आप मटर को फ्रोजन करके रख लीजिए और गोभी को भी आप फ्रोजन करके रख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप बिना सीजन के भी इस सब्जी को बना सकते हैं और काफी टेस्टी बनती है, और मुझे बढ़िया पसंद है, इसलिए मैंने एक बाउल बड़ी ली है। यदि आप चाहें तो बड़ी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, तो इसे एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो देखिए गोभी में हमारे उबाल आ गई है अच्छी तरह से, पानी कुछ ज्यादा ही हमने लिया है पानी। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, थोड़ी देर 1 मिनट हम गोभी को इसी पानी में रहने देते हैं। उसके बाद हम इस तरह के स्ट्रेनर में इसे हम स्ट्रेन करके इसकी पानी निकाल लेंगे। तो देखिए गोभी को गर्म पानी और नमक गर्म पानी में रहे हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से गोभी को फ्रोजन सॉरी इस तरह से ब्लांच करने से 2 फायदे हैं। फूल गोभी में जो होती है कॉलीफ्लावर, जो जिसे कहते हैं फूल गोभी में, खाने से थोड़ी गैस होती है, तो ये इस तरह से ब्लांच करके आप बनाएंगे तो ये जो गैस वाली प्रॉब्लम है, जिसे गैस की प्रॉब्लम है उसे बहुत ही दिक्कत आ जाती है, तो वो भी इस तरह से गोभी को ब्लांच करके यदि बनाए तो वो अच्छी तरह से खा सकते हैं और गैस बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमने सारे गोभी को इस तरह से ब्लांच कर लिया, और ब्लांच करके हमने इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया। ऐसे स्ट्रेनर में हमने स्ट्रेन कर लिया। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी निमोना सब्जी। तो देखिए मस्टर्ड ऑयल मैं यूज कर रही हूँ, तो 2 टेबलस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में डाला था। तो मस्टर्ड ऑयल को जब भी किसी चीज में यूज करते हैं तो उसे धुआं उठने तक गर्म करना होता है। तो मस्टर्ड ऑयल में धुआं आ गया है, गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं और ये बढ़िया पहले भून कर हम निकाल लेंगे। तो देखिए गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा हुआ है और बरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। भून कर हम इसे अलग निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं ये ब्राउन होने लगी है, बहुत ही अच्छी बरियां बनी है। ये होममेड बरी है, बाजार वाले यदि आप खाते हैं तो एक बार होममेड बरी बना के देखिए, इसका टेस्ट बाजार वाले से बिल्कुल डिफरेंट रहता है, बहुत ही अच्छी बनती है। मुझे बाजार की बरियां पसंद नहीं, इसलिए मैं घर में ही बनाती हूँ। तो ये हमारी बरियां भून गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए बरियों को इस तरह से गोल्डन ब्राउन करके हमने निकाल लिया है। अब सेम उसी ऑयल में हम आलू डाल देते हैं, और आलू थोड़ा सा भून जाए, गोभी को हमने ब्लांच किया हुआ है इसलिए 2 मिनट के बाद हम गोभी को इसमें ऐड करेंगे। तो आलू और गोभी को भी हम इस तरह से फ्राई करके लाइट ब्राउन होने तक निकाल लेते हैं। तो देखिए आलू कच्ची थी इसलिए हमने इसे 1 मिनट पहले ऐड किया। अब ये गोभी जो हमने ब्लांच करके रखा है इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो देखिए आलू और गोभी हमारी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, इतना ही हमें ब्राउन करना है। गोभी के ऊपर एक ब्राउन कलर देख सकते हैं, इसे लगातार चलाते हुए हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। और ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल वही ऑयल में मैं पूरी सब्जी बनाऊंगी। इस तरह से साइड करके रख दीजिए कढ़ाई में, ताकि ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में ही चली जाए। देख सकते हैं आप ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। तो गोभी को और आलू को हमें छानना नहीं है, हल्का फ्राई कर लेना है। अब जो ऑयल बची है उसी में मैं मसाले इसके बनाऊंगी, ले लीजिए। तो देखिए ऑयल हमारी गर्म है, इसमें 2 तेज पत्ते मैं डालूंगी और गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, और ये जीरा 1 टीस्पून। तो देखिए जीरा हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज वाले पेस्ट को।
तो देखिए इसे इस तरह से चलाते हुए हमें 1 मिनट तक भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर वाले पेस्ट को डाल दूंगी। देखिए 1 मिनट हमने प्याज वाले पेस्ट को भून लिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये ड्राई स्पाइसेस, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। 2 हरी मिर्च हमने यूज किया है, इसलिए लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून यूज कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो हरी मिर्च की जगह सिर्फ लाल मिर्च से भी इसे बना सकते हैं। जीरा पाउडर 1 टीस्पून और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ, उसे मैं लास्ट में ऐड करूंगी। फिर सारे मसाले को भून लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर वाले पेस्ट को भी ऐड कर देंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम सारे मसाले को अच्छी तरह से तेल ऊपर आने तक भून लेते हैं। तो देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, आप देख सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने भूना और ऑयल ऊपर आने लगी। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये मटर जो हमने दरदरा पीस कर रखा हुआ था, इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे, अधिक नहीं भूनना है हमें। इसे भी यूज कर लूंगी मैं, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके। तो देखिए मटर को भी इस तरह से मसाले में मिक्स करके हमें इसे अधिक नहीं 1 से 1.5 मिनट हमें भून लेना है बस। इसका हल्का सा, क्योंकि मैं फ्रोजन मटर यूज कर रही हूँ तो इसे मुझे कम ही भूनना है। फ्रोजन मटर वैसे भी सॉफ्ट होती है और पक जाती है बहुत जल्दी। यदि आप ताजी हरी मटर यूज कर रहे हैं तो इसे 2 से 3 मिनट जरूर भून लीजिएगा ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इस तरह से इसे भून लेते हैं 1 मिनट। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट हमने ये मटर वाले पेस्ट को भी भून लिया है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है मसाला भूनते वक्त। अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया तो मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा जितनी सब्जी हो। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं नमक को और अब हम सारी सब्जियों और बरियों को इसमें ऐड कर देंगे। डाल देते हैं इसमें आलू गोभी जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें तो भुनी हुई हैं, पकी हुई हैं, लेकिन इसमें अंदर तक मसाले और नमक चल जाए उतना हमें इसे पकाना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं ये बरियां भी इसमें ऐड कर दूंगी और अब इसमें ऐड करते हैं पानी। तो इसका ग्रेवी इस तरह का होना चाहिए जो कि राइस के साथ ना गाढ़ा ना ज्यादा पतला। तो चलिए पानी ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसमें हमने इस कप से 2.5 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर ढक देते हैं और 5 से 10 मिनट इसे पका लेंगे। जैसे ही हमारी सब्जी पक जाए तो इसे हम सर्व करेंगे। तो देखिए इसे हमने ढक दिया था और इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। गोभी आलू सारे मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से कट करके। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं और आलू भी मैं दिखा देती हूँ एक। देखिए ये सब्जी हमारी पक गई है। तो गैस को कर देते हैं ऑफ और अब मैं इसमें डालूंगी ये गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और ये कोरिएंडर लीव्स। इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम 1 मिनट इसे ढककर छोड़ देते हैं। उसके बाद इसे सर्व करेंगे ताकि जो गरम मसाले और कोरिएंडर लीव्स की खुशबू है वो इसमें आ जाए। तो चलिए इसे ढककर छोड़ देते हैं 1 मिनट। तो देखिए ये गोभी और मटर की तहरी, सॉरी गोभी और मटर का निमोना बनकर रेडी हो गया। थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ सर्व करते वक्त ऊपर से डाल दीजिए और भी खूबसूरत लगेगी। और इसे एक बार राइस या रोटी जिसके साथ भी आप ट्राई करना चाहें, लेकिन एक बार प्लेन राइस के साथ इसे ट्राई कीजिए।
कुछ भी दाल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में एक डिश हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है प्लेन राइस के साथ। तो इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपनी फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।